नमस्कार साथियों, मैं पवन मिश्रा बोल रहा हूँ, बिहार भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह जिला उपाध्यक्ष भागलपुर। कोरोना महामारी को लेकर पूरा विश्व जंग लड़ रहा है, ऐसे में सरकार द्वारा एहतियातन लॉकडाउन किया गया है जिसकी अवधि एक माह से अधिक हो गई है। इसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ा है। पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या में भी इजाफा हुआ है, लेकिन हमें इसमें घबराने की जरूरत नहीं। जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, उस तरह से वह लोग ठीक भी हो रहे हैं। आम जनों से हमारी यह अपील है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन का पालन करें, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के आह्वानों का पालन करें। संकट के इस घड़ी में भारत की अखंडता और एकता में ही हमें इससे जीत दिला सकती है। जिस तरीके से पिछले एक महीने से ज़्यादा वक्त से एकजुट होकर भारत कोरोना से जंग लड़ रहा है, यह वाकई काबिल-ए-तारीफ है। लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जिससे जितना हो पा रहा है वह कर रहे हैं। संकट की इस घड़ी में वह बढ़ते आपदा को देखते हुए मेरे द्वारा भी मुख्यमंत्री राहत कोष से जंग लड़ने के लिए 151,000 की धनराशि निजी कोष में दी गई। इसके साथ ही सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर राहत पैकेज का कार्य भी चल रहा है, जिससे राहत पैकेज टीम का गठन कर भाजपा के पदाधिकारी उचित महामारी के शिकार परिवारों तक पहुंच रहे हैं और उन्हें राहत पैकेज मुहैया कर रहे हैं, जिससे खाद्य सामग्री के साथ साथ हाथों कपड़ों को सैनिटाइज करने के लिए साबुन भी उपलब्ध है। मेरे नेतृत्व में चलाया जा रहा है अभियान आज पंचायत दर पंचायत, वार्ड दर वार्ड चल रहा है, जिससे सैकड़ों हजारों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड सुल्तानगंज और शाहकुंड में यह काम चल रहा है। इसके अलावा गाँव तक हर गली नुक्कड़ को सैनिटाइज करने के लिए जेट स्प्रे से सुसज्जित ट्रैक्टरों को विधानसभा में भेजा गया है, जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में सैनिटाइजर स्प्रे का छिड़काव कर रहे हैं। संकट की इस घड़ी में मैं सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र वासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। आने वाले विपदा से सुल्तानगंज क्षेत्रवासी डटकर इसका मुकाबला करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी इसमें विजयी होंगे। आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ बहुत बहुत ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। और एक बात मैं बता दूं कि मैं जीते जी और किसी भी कीमत पर सुल्तानगंज वासियों के साथ जी जान से खड़ा हूं और मरते दम तक खड़ा रहूं।